हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि एक बच्चे के लिए सबसे प्यारी चीज़ उसकी गुड़िया होती है और वो दिन भर उस डॉल के साथ खेलने में व्यस्त रहते हैं। ये डॉल्स बहुत ही प्यारी होती हैं जिसे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम इन डॉल्स के दूसरे पहलू को देखें तो कई बार ये बहुत ही शैतानी और डरावनी भी होती हैं। हमने अपने इस चैनल पे आप सभी को एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी से रूबरू कराया था और उस वीडियो को आपने बहुत ही प्यार दिया, इसीलिए आज हम आप सभी को एक और शैतानी डॉल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कई परिवारों को कर्ज करके उनकी बर्बादी का कारण बना है। इस वीडियो में हम द कर्स ऑफ चकी की रियल स्टोरी का पर्दाफाश करेंगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर सकूं, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का आइडिया हमें हमारे ही कुछ व्यूअर से मिला, जिनका नाम अर्जुन, प्रिंस और रतनलाल है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो अगर आपके पास भी कुछ बेहतरीन आइडियाज़ हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उन आइडियाज़ को हम तक पहुँचा सकते हैं, और अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होगा तो हम उस आइडिया पर वीडियो लाएंगे, साथ ही हम अपने व्यूअर्स को भी आपका नाम बताएंगे। इसके साथ मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं इस डॉल से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा जो कि इंटरेस्टिंग और बहुत ही खुफिया जानकारी होगी। कर्स ऑफ चकी फिल्म 2013 में आई थी, जो कि चाइल्ड्स प्ले मूवी सीरीज की सिक्स्थ मूवी है। इस सीरीज की पहली मूवी का नाम चाइल्ड्स प्ले था, जो कि 1988 में आई थी। मूवी की कहानी बिल्कुल सिंपल है, जहां हमें देखने को मिलता है कि चकी एक पजस डॉल है और एक परिवार में पोस्ट के थ्रू आता है। यहां आने के बाद वो इस परिवार में रह रहे सभी लोगों को एक एक करके मारने की कोशिश करता है। इस डॉल की पजेस्ड होने की कहानी को चाइल्ड्स प्ले मूवी में दिखाया गया था, जो कि 1988 में आई थी। दरअसल एक सीरियल किलर चार्ल्स ली रे पुलिस से बचकर भागता रहता है और भागते भागते वो एक खिलौने के दुकान में घुसकर छिप जाता है। वहां वो वूडू प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपने आत्मा को एक गुड गाय डॉल में डाल देता है, जो बाद में चकी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी की कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, और मैं इस वीडियो में उस रियल लाइफ कहानी पे ही प्रकाश डालूंगा। ये कहानी दरअसल रॉबर्ट द इंचैंटेड डॉल की है, जिसे सबसे पहले एक के वेस्ट के आर्टिस्ट रॉबर्ट यूजीन ओट्टो को अपने एक सर्वेंट द्वारा मिला था। इस सर्वेंट ने 1906 में इस डॉल को जीन ओट्टो को दिया था, जब वो सिर्फ 6 साल का ही था। कहा जाता है कि इस बहामियन सर्वेंट के साथ इस घर में बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव किया जाता था, और उसने जीन ओट्टो को इस डॉल पर जादू टोना करके इन अत्याचारों का बदला लेने के लिए दिया था। यह सर्वेंट काला जादू और वुडू जैसे प्रक्रिया में माहिर था, और उसने इस 3 फुट के सेलर डॉल में जीन ओट्टो के बाल का इस्तेमाल करके इसे इंचांट किया था। इस डॉल के मिलने के कुछ ही दिन बाद जीन ओट्टो इसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगा था और इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता था। उसने इस डॉल का नाम रॉबर्ट रखा, लेकिन चूंकि जीन का भी फर्स्ट नेम रॉबर्ट ही था, जीन के माता पिता इस डॉल को रॉबर्ट द डॉल पुकारने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जीन की माँ ने उसे डॉल से बातें करते हुए सुना। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे से 2 अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो जीन की माँ को लगा कि शायद वही 2 प्रकार की आवाज़ें निकाल रहा होगा, लेकिन एक आवाज़ काफ़ी भारी थी और एक बच्चा वैसी आवाज़ नहीं निकाल सकता है। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद जीन की माँ को उनके नेबर्स का कंप्लेन आया कि उन्होंने इस डॉल को रात में उनके घर की खिड़की से चलते हुए देखा है। ये हैरान करने वाली बात इसलिए भी थी क्योंकि एक रात पहले उनका पूरा परिवार घर में ही नहीं था और वो लोग डॉल को यहाँ छोड़ कर गए थे। साथ ही कमरे की लाइटें भी बंद थी और वो अपने आप ऑन कैसे हो सकती हैं। पड़ोसियों ने ये तक कहा कि इस डॉल की शक्ल भी जीन जैसे ही दिख रही थी। अब जीन के पेरेंट्स को पूरी तरह से शक होने लग गया था कि ये डॉल असल में किसी शैतानी ताकत के आगोश में है, और इससे वो काफ़ी घबरा गए। उन्होंने कई बार जीन को डॉल से दूर होने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जीन उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इनफैक्ट अब तो वो डॉल को डिनर टेबल पर भी अपने बगल में बिठाने लगा था। इन घटनाओं के कुछ ही दिन बाद जीन की माँ ने एक दिन इस डॉल को एक कमरे से दूसरे कमरे में चल के जाते हुए देखा, और जैसे ही इस डॉल का ध्यान उन पे गया, वो एक शैतानी हंसी हंसते हुए बेजान सा पड़ गया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और जीन की माँ ने उस डॉल को एक क्लॉजेट में छुपाकर बंद करने की ठान ली। उन्होंने उस डॉल को ऊपर वाले कमरे के एक खाली क्लॉजेट में डाल दिया, लेकिन अगले ही दिन उन कमरों से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी।
वहां पे किसी के चलने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज और कई बार तो किसी के चिल्लाने की भी आवाज आती थी। इन सब के बावजूद ऑटो परिवार उस डॉल को घर से बाहर फेंक नहीं रहे थे, क्योंकि उस डॉल के गायब होने से जीन बहुत ही उदास सा हो गया था, मानो जैसे उसके शरीर से किसी ने आत्मा ही निकाल ली हो। फिर उसी रात अचानक एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। रात को अचानक जीन के पेरेंट्स को जीन के चिल्लाने की आवाज़ आई और जब वो वहाँ गए तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और वो डॉल जीन की गोद में था। अपने माता पिता को देखते ही जीन चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि ये सब रॉबर्ट द डॉल ने किया है और अगर उसे फिर से क्लॉसेट में बंद किया तो वो बार बार ऐसा ही करेगा। इन सब को देख कर ऐसा लग रहा था मानो इस डॉल ने जीन को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया हो। इसके बाद कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां इनके पड़ोसियों की शिकायत आई कि उन्होंने इस डॉल को घूमते हुए देखा है। इसके अलावा अगर कोई गेस्ट भी घर में आता है तो उन्हें भी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी और उन्हें शैतानी हंसी भी सुनाई देती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे जीन के ऊपर इस डॉल का असर बढ़ता जा रहा था और अब इस डॉल को जीन से अलग करना मानो नामुमकिन सा हो गया था। बहुत कोशिश के बाद भी जीन के पेरेंट्स ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए और देखते देखते जीन बड़ा हो गया और उसके साथ इस डॉल की ताकत भी बढ़ती गई। इसके बाद जीन की शादी हुई और वो काम के सिलसिले में शहर से दूर अपनी पत्नी के साथ चला गया। इस मौके को देखते ही जीन के पेरेंट्स ने इस डॉल को इसी घर के क्लोजेट में वापस से कैद कर दिया। कुछ सालों बाद जीन के माता पिता की मौत हो गई और जीन अपने घर की देखभाल करने और फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने वापस आया। वापस आते ही ये डॉल उसे फिर से मिल गई और कुछ ही मिनटों में उनका वापस से एक कनेक्शन सा बन गया। अपनी बीबी के मना करने के बावजूद जीन ने इस डॉल को वापस से पुराने अंदाज में महत्व देने लगा और हद तो तब हो गई जब जीन ने इस डॉल के लिए एक कमरा भी अलग से रिजर्व कर दिया। इन सारी घटनाओं को देखकर घर में काम कर रहे सर्वेंट्स काफ़ी डर गए और धीरे धीरे ये बातें आसपास भी फैलने लगी। इसी वजह से घर में काम करने वाले सर्वेंट्स कभी भी टिक नहीं पाते थे और कोई नया भी आता था तो कुछ ही महीने में डर कर नौकरी छोड़कर भाग जाता था। कई लोगों का ये तक मानना था कि ये सारी हरकतें जीन की है और वो सबको डराने के लिए ऐसे काम रहस्यमय तरीकों से करता है। ये सब कई सालों तक चलता रहा और ये डॉल भी जीन के साथ कई सालों तक रहा। 1974 में जीन की मौत हो गई और उसके मौत के ठीक बाद इस डॉल को एक पेटी में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक नई फैमिली इस घर में रहने आई और इस फैमिली में एक 10 साल की छोटी सी बच्ची भी थी। घर की सफाई के वक्त इस बच्ची को ये डॉल उसी पेटी में पड़ा मिला और इसे ये बहुत ही पसंद आया। लेकिन इस डॉल से कुछ ही दिन खेलने के बाद बच्ची ने अपने माँ बाप को कंप्लेन किया कि ये डॉल क्लोजेट से निकल कर चेयर पर बैठ जाती है और चेयर को हिलाने लगती है। पहले तो पेरेंट्स को यह सब एक मजाक लगा, लेकिन एक रात इस बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। वो जैसे ही उस बच्ची के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते को किसी ने केबल वायर से बांध दिया है और वो डॉल बच्ची के काफ़ी करीब था, मानो उसे मारने वाला हो। उस बच्ची ने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि ये डॉल उसे मारने वाला था और उसने ही उनके कुत्ते को उस वायर से बांध दिया था। इस घटना के बाद उस लड़की के माता पिता ने इस डॉल को क्लॉसेट में बंद कर दिया और ये बातें काफ़ी फैलने लग गई। इस घर को हॉन्टेड हाउस करार दे दिया गया, जिसे आज भी आर्टिस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है और लोग इसे देखने के लिए एज ए टूरिस्ट प्लेस वहां जाते हैं। डिस्कवरी चैनल के शो जिसका नाम वुड यू बिलीव इट है, उसमें इस हाउस को लेकर एक एपिसोड भी बना है। अगर हम इस डॉल की बात करें तो अभी ये डॉल के वेस्ट के फोर्टिस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा है और माना जाता है कि इसका दहशत अब तक खत्म नहीं हुआ है। ये डॉल एक प्लास्टिक केस में बंद है, लेकिन वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मानना है कि वो कभी कभी अजीब सी शक्ति के आसपास होने का महसूस करते हैं। एक एम्प्लॉय ने कभी गलती से उस प्लास्टिक केस को साफ करने के बाद उसे बंद करना भूल गया और अगले ही दिन म्यूजियम में पड़ी काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हो गई थी। साथ ही रॉबर्ट द डॉल के शूज पे धूल जमे हुए थे, मानो जैसे वो रात भर म्यूजियम में घूम रहा होगा। कई विजिटर्स का मानना है कि ये डॉल इस प्लास्टिक केस पे नॉक करता है ताकि देखने आए हुए लोग डर जाएं, और अगर आपको इसकी तस्वीर लेनी है तो आपको इससे इजाज़त लेनी पड़ती है। जब आप इससे पिक्चर लेने की इजाज़त मांगेंगे तो ये अपना सर हिलाता है, और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो आप इसकी तस्वीर नहीं ले सकते हैं। फिर भी अगर आप इसकी तस्वीर ले लेंगे तो ये आपके और आपके परिवार पर शाप डाल देता है। इस म्यूजियम में कई लोगों के लेटर्स पड़े हैं जो कि इस डॉल से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उनके परिवार को शाप मुक्त कर दे। अब जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ओट्टो फैमिली के घर में काम कर रहे सर्वेंट के साथ उनका बर्ताव अच्छा नहीं था।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो सर्वेंट्स अक्सर कुछ जादू टोना करते रहते थे। एक दिन मिसेज ऑटो ने चार सर्वेंट्स को घर के गार्डन में काला जादू करते हुए देख लिया और उन्होंने उन लोगों को फौरन घर से निकाल दिया। घर से जाने से पहले उनमें से एक सर्वेंट ने जीन को ये डॉल गिफ्ट किया। साथ ही जीन का पूरा नाम रॉबर्ट जीन ऑटो था, लेकिन जीन ने डॉल का नाम रॉबर्ट रख दिया, जिसे सब लोग उसे जीन बुलाने लगे। जीन की माँ ने उसे बहुत समझाया कि वो डॉल का नाम कुछ और रख ले, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ और वो इस हद तक गया कि खुद का फर्स्ट नेम को ही रॉबर्ट के जगह जीन मानने लगा और डॉल का नाम रॉबर्ट रख दिया। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट द डॉल की ट्रू स्टोरी, जिस पे बेस्ड मूवी आई है कर्स ऑफ चक्की। मूवी का प्लॉट इस ट्रू स्टोरी से काफ़ी अलग है और अगर आप उसकी मूवी की कहानी को भी जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो ला सकूं। इस मूवी की एक सीक्वल भी 2017 में आई है जिसका नाम है कल्ट ऑफ चक्की। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि आपको क्या लगता है, ये सारे काम जीन ही कर रहा था या फिर सच में इस डॉल के अंदर कोई शैतानी ताकत है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उसे हम तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।